चुड़ैल बनी मर्द। रत्नापुर गांव में बंटी और संटी दो लड़के रहते थे। बंटी संटी से बोला, ये क्या संटी, तुम रोज आने जाने वाली लड़कियों को क्यों छेड़ते हो? किसी दिन तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, ऐसे मत किया करो मेरे दोस्त। संटी बोला, अरे मेरे यार, तुम क्या जानो लड़कियों को छेड़ने में कितना मजा आता है। बंटी उसे समझाते हुए बोला, अरे मेरे भाई, मुझे ये मजा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तभी वहां से एक लड़की गुजरती है। तभी संटी उसे भी छेड़ने लगता है। अरे वाह, कहाँ जा रही हो, हमें भी साथ ले लो। तभी लड़की उसे जवाब देती है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है? संटी बोला, अरे मैडम, माँ और बहन तो है, बस आप ही नहीं हो। लड़की उसे गुस्से में बोलती है, रुक, अभी तुझे बताती हूँ, आज तेरे दो थप्पड़ लगा ही देती हूँ, जब तेरी अच्छे से पिटाई होगी तभी तो सुधरेगा। बंटी डरकर बोलता है, अरे बोला था ना पिटेगा, अब चल भाग। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते गांव के बाहर नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी संटी कहता है, अरे रुक, मैं थक गया हूं। बंटी कहता है, मैं भी थक गया हूं। संटी कहता है, मुझे टॉयलेट आ रहा है, मैं टॉयलेट करके आता हूं। बंटी उसे कहता है, ठीक है, पर पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट मत करना, मेरे दादाजी कहते हैं किसी किसी पीपल के पेड़ पर चुड़ैल होती है। संटी हंसते हुए कहता है, अरे यार, पेड़ पर चुड़ैल, अबे तेरे दादाजी भी अंधविश्वासी है। अगर चुड़ैल सुंदर हुई तो अपनी तो लॉटरी लग जाएगी। बंटी कहता है, अरे यार तू भी, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। संटी कहता है, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, नहीं करूंगा पेड़ के नीचे टॉयलेट। ऐसा कहकर संटी चला जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर संटी कहता है, ये बंटी बिना अंधविश्वासी है, पेड़ के नीचे टॉयलेट करने से चुड़ैल आती है। अब तो मैं पेड़ के नीचे ही टॉयलेट करूंगा, फिर बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर पीपल के पेड़ के नीचे वो टॉयलेट करने लगता है। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल उसे देखती है और कहती है, वाह, क्या शिकार आया है, कितना मोटा तगड़ा लड़का है, इसको शिकार बनाने में मजा आएगा, मैं इसके शरीर में घुस जाती हूँ। तभी संटी टॉयलेट करके कहता है, देखा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो पलटता है, तभी वो देखता है उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। संटी बोला, अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो लड़की बोली, मुझे तुम बहुत सुंदर लगे राजा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। संटी बोला, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। लड़की बोली, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम यहां से मेरे बिना नहीं जा सकते, सीधी तरह नहीं ले जाओगे तो जबरदस्ती ही सही। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। संटी डरकर कहता है, अरे ये कंबकत तो चुड़ैल है, बंटी ठीक कह रहा था। ऐसा कहकर वो भागता है, लेकिन चुड़ैल उसे रास्ते में ही रोक लेती है। डार्लिंग, मैं तो साथ ही जाऊंगी, तुम मुझे साथ ऐसे नहीं ले जाओगे तो मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल
संटी के शरीर के अंदर घुस जाती है। जब वो बंटी के पास पहुंचता है, बंटी उसे डांटता है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? क्या वहां पूरी टंकी खाली कर रहा था? अब चुप क्यों है? बोल। संटी के अंदर से चुड़ैल सोचती है, वाह क्या सुंदर लड़का है। ऐसा सोचकर वो संटी को छूने की कोशिश करती है। बंटी कहता है, अरे छोड़, ये क्या मजाक है, चल अब। ऐसा कहकर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बंटी संटी को बुलाने जाता है। वो देखता है संटी ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं। बंटी उसे कहता है, अरे ये क्या, आज लड़कियों के कपड़े क्यों पहन लिए? शहर के सारे लड़के तुझे छेड़ेंगे। संटी कहता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तुझे आना है तो आ। बंटी कहता है, चलो फिर। ऐसा कहकर वो चलते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी जा रहा होता है। तभी मर्द रूपी चुड़ैल संटी उसे छेड़ने लगती है। अरे वाह कितना सुंदर मर्द है, साथ चलेगा क्या मेरे? तभी वो आदमी कहता है, अबे पहले औरतों को छेड़ता था, अब औरत के कपड़े पहनकर आदमी को छेड़ रहा है, पिटेगा अभी तू। संटी कहता है, मैं आदमी नहीं औरत हूं। तभी बंटी कहता है, अरे भाई साहब इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा ना मानो। आदमी बोला, समझा लो इसे वरना मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। बंटी संटी को कहता है, अरे तूने औरतों के साथ मर्दों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। संटी कहता है, कहां छेड़ा डार्लिंग, मजाक करना भी पाप है क्या? बंटी कहता है, चल तूने सारा मूड खराब कर दिया, चल अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी संटी घर की तरफ चलने लगते हैं। तभी रास्ते में बंटी का भाई जा रहा होता है। बंटी बोला, नमस्ते भैया। तभी संटी उन्हें कहता है, अरे क्या माल है, अरे बंटी बात तो करा दे यार, अकेले में मिलवा दे। तभी बंटी का भाई गुस्से में कहता है, अबे ओए संटी क्या मार खाएगा? संटी कहता है, अरे डार्लिंग आपके हाथों से तो हम जहर भी खा ले, थप्पड़ क्या चीज है। तभी बंटी कहता है, अरे भैया ये पागल हो गया है, मैं इसे इसके घर छोड़कर आता हूँ, आप बुरा मत मानो। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से घर की तरफ चलते हैं। तभी रास्ते में बंटी की नजर संटी के पांव पर पड़ती है। तो वो देखता है उसके पांव टेढ़े हैं और वो सोचता है, अरे इसके पांव तो टेढ़े हैं जैसे उसके दादाजी ने बताया था। बंटी डरते हुए कहता है, संटी तू यहां से खुद घर चला जा, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर बंटी वहां से चला जाता है और जाकर सारी बात अपने दादाजी को बताता है। दादाजी बंटी को बताते हैं, लगता है संटी पर कोई भूत कसाया है, तुम रात को उसकी खिड़की से झांक कर देखना। बंटी कहता है, ठीक है दादाजी। रात होते ही बंटी संटी की खिड़की से झांकता है और देखता है चुड़ैल संटी को डरा रही है। मुझे तेरा शरीर बहुत अच्छा लगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, और तू तो औरतों को भी छेड़ता था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। संटी डरता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं अब से लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, तू तो मेरा गुलाम है, मैं तुझे कभी नहीं छेड़ूंगी। बंटी खिड़की से देखता हुआ सोचता है, दादाजी ठीक कह रहे थे, चलो दादाजी से ही बात करता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे वरना संटी मर जाएगा। तभी चुड़ैल बंटी को देख लेती है और संटी के अंदर घुस जाती है और बंटी की तरफ भागती है। बंटी कहता है, अरे ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई,
भागो वरना ये मुझे मार देगी। ऐसा कहकर वो भागने लगता है और सेंटी रूपी चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो दादाजी के पास पहुंचता है। अरे दादाजी, संटी के अंदर चुड़ैल है और वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, कुछ करो दादाजी, कुछ करो। दादाजी कहते हैं, डरो मत बंटी, अभी हम जिंदा हैं, घर के अंदर से गंगा जल लाओ। तभी वहाँ पर संटी रूपी चुड़ैल पहुँच जाती है। हट बुड्ढे सामने से, मुझे वो लड़का चाहिए। तभी बंटी भी गंगा जल ले आता है। ये लो दादाजी गंगा जल। दादाजी बंटी को कहते हैं, अबे मुझे क्या दे रहा है, इस चुड़ैल पर डाल। बंटी कहता है, अच्छा सॉरी दादाजी, अभी डालता हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल पर गंगा जल डालता है और दादाजी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तभी वो चुड़ैल संटी के शरीर से बाहर आ जाती है और कहती है, अरे नहीं, तुमने ये क्या किया, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। देखते ही देखते चुड़ैल राख में बदल जाती है और इस तरह गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। उस दिन के बाद से संटी कभी लड़कियों को नहीं छेड़ता और सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।